Yaris Salvia Primary School in Yeshwari. Today we will learn Chapter 3. Unit 2. The chapter is, this is a poem. Okay? It's a bird talk. First of all, we will do new words. First one, feathers. F-E-A-T-H-E-R-S. Feathers. Second one, sitting. S-I-T-T-I-N-G. Sitting. Third one, beetles. B-E-E-T-L-E-S. Beetles. Fourth one, funny. F-U-N-N-Y. Funny. Fifth one, wires. W-I-R-E-S. Wires. And last one, wings. W-I-N-G-S. Wings. Okay, students. Now we will start reciting a poem. Okay? Students, first of all, we will recite the poem. Okay? Bird talk. They don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things. Think, said the robin, think, said the jay. Aren't people funny to be that way? Okay, students, now did you understand anything from this poem? Let us start explanation. Bird talk. Bird talk means, आपने कभी भी बर्ड देखे? स्काई पे उड़ते हैं तो वो दोनों बात करते हैं, कभी भी सुना है आपने? Have you listened? वो दोनों बात करते हैं, पेड़ के ऊपर बैठे हैं और किसकी बात करते हैं? हमारी, पीपल्स की बात करते हैं और उसको फनी लगता है कि हम लोग फनी हैं, पीपल्स आर फनी. ऐसा होता है, बट वो ऐसा सोचते हैं. क्या सोचते? Let us sing the poem. Do you think birds find people funny? Students, आपको ऐसा कुछ सोचते हो कि birds, क्या सोचते हैं birds कि people they are find funny? चलो देखते हैं. Think, say the robin. Two birds है, वो दोनों बात कर रहे हैं. एक का नाम है रॉबिन और दूसरे का नाम है जय. ओके, रॉबिन बोल रहा है, मींस सोच रहा है. जय भी सोच रहा है. थिंक सेड द जय. सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. एक दिन वो दोनों गार्डन में बैठे थे, वो दोनों सोच रहे थे. क्या सोच रहे थे? थिंक अबाउट पीपल. क्या सोच रहे थे? अबाउट पीपल, कि हम लोग कैसे होते हैं, कैसे बड़े होते हैं. राइट, द वे दे ग्रो, कैसे बड़े होते हैं वो तो सोचना ही पड़ता है. बर्ड्स को तो पता ही नहीं है कि पीपल कैसे बड़े होते हैं. दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल यू नो. वो क्या बात कर रहे हैं कि हमारे फेदर्स है, मीन्स बर्ड्स के फेदर्स हैं, पीपल्स के तो फेदर्स ही नहीं है. तो उसको फनी लगता है, वो कैसे बड़े होते हैं. राइट, दे डोंट ईट बीटल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटल्स? टाइप ऑफ इंसेक्ट्स. टाइप ऑफ इंसेक्ट्स मीन्स बर्ड्स तो इंसेक्ट्स भी खाते हैं, लेकिन वी पीपल वी आर नॉट ईटिंग इंसेक्ट्स. राइट, दे डोंट ग्रो विंग्स. उसके तो विंग्स भी नहीं होते हैं. राइट, तो कैसे बड़े होते हैं? हाउ दे आर ग्रोइंग. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स. हम लोग मीन्स पीपल को तो हम थोड़ी बैठते हैं वायर्स के ऊपर, थिंग्स के ऊपर, कोई
funny लग दिखते हैं, to be that way कि उसके feathers भी नहीं हैं, how they are growing वो तो उड़ भी नहीं सकते हैं, they are not eating insects, right? Beetles भी नहीं खाते हैं, तो उसके wings भी नहीं हैं, right? They are not sitting on wires and things, वो wires के ऊपर भी नहीं बैठते हैं, और कोई भी चीज के ऊपर नहीं बैठते हैं. Students, hope you understood this poem. Did you understood? Okay. Now we will do meanings. First one, beetles. Beetles means a type of insects. जो हम नहीं खा रहे, we are not eating, but birds खा रहे, उसका खाना है, right? Now second is funny. Funny means strange. In this poem, funny का meaning is strange. क्योंकि birds हमको देखकर strange लगता है, उसको people को देखकर strange लगता है, क्योंकि we don't have feathers, right? We are not eating beetles, और we are not sitting on wires and things. हम कोई भी चीज के ऊपर बैठते नहीं है, right? इसलिए उसको strange लगता है. इस poem में funny का meaning है strange. Okay, now we will do exercise from the workbook. Our first question is, name the two words in the poem. ये poem में दो words का नाम देना है. The two words in the poem are Robin and Jerry. क्या नाम है? Robin and Jerry. Second one, what are the three things that people can't do? ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो पीपल नहीं कर सकते हैं? कौन सी चीज है? आंसर इज द पीपल कांट ग्रो विंग्स. हमारे विंग्स नहीं होते हैं. ईट बीटल्स, वी आर नॉट ईटिंग बीटल्स. बीटल्स विंग्स अ टाइप ऑफ इंसेक्ट्स. और सिट ऑन वायर्स, हम वायर्स के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल. बर्ड्स क्या सोचते हैं हमारे बारे में? मीन्स पीपल के बारे में. बर्ड्स थिंक पीपल आर वेरी फनी. क्या सोचते हैं बर्ड्स? कि हम लोग एकदम फनी हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डू द बर्ड्स फाइंड पीपल फनी. द बर्ड्स फाइंड पीपल फनी इन द वे बर्ड्स हमको देखकर कैसा मीन्स फनी क्यों लगता है उसको? सीधा आंसर, इन द बर्ड्स फाइंड पीपल फनी इन द वे दे ग्रो. दे डोंट हैव फेदर्स, दे डोंट हैव फेदर्स और विंग्स. दे डोंट ईट बीटल्स. ओके, दे आर नॉट ईटिंग बीटल्स. हमारे फेदर्स भी नहीं है, हम उड़ भी नहीं सकते हैं. And they don't like sitting on wires and things. We people are not sitting on the wires and things. Okay? Okay. Our next question is multiple choice question. We आपको answer देना. Can you give me the answer? Okay. Where were Robin and Jay sitting one day? एक दिन Robin and Jay कहाँ पर बैठे थे? Options are in the garden, on the platform, in the house. None of this. कहाँ पे बैठे थे? Give me the answer. Yes, in the garden. Next MCQ. Who do not grow wings? कौन grow नहीं करता है wings? Options are Robin, the people. Crows, the sparrows. कौन grow नहीं कर रहा है? Give me the answer. Yes, the people. Third one, the birds are talking about. जो वो Robin and Jay थे ना, वो क्या बात कर रहे थे? Talking about. Options are other birds, sunset, dragons, people. किसकी बात कर रहे थे वो दोनों birds? Give me the answer. Yes, people की बात कर रहे थे. Okay, our next question is state two.
second sentence is, birds have wings to fly in the sky. Third one, birds make a sound, chirp, chirp. Third sentence is, birds make a sound, chirp, chirp. And last one is, birds drink water with their beak. The next question is, write words that rhyme with the words given below. Students, we have to write a rhyming words. Now you know what is the meaning of rhyming words. First one, grow. Grow ka rhyming words kya hai? Yes. No. Now grow.